यूपी में मदरसों के बाद अब संस्कृत विद्यालय बंद करने की तैयारी। अखिलेश यादव ने बीजेपी को क्यों घेरा? यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं। सपा चीफ ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि योगी सरकार यूपी में मदरसों के साथ अब संस्कृत विद्यालयों को बंद करने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव के मुताबिक यूपी में संस्कृत बोर्ड को भी खत्म करने की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि संस्कृत विद्यालयों की दुर्दशा खत्म करने की ये सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही। साथ ही साथ सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ एक समाज की नहीं बल्कि देश की दुश्मन है। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने संस्कृत विद्यालयों को लेकर क्या और किस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए। और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन और इसके साथ जो पीडीए परिवार है वो लोकसभा में परिवर्तन लाने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर बीजेपी को 400 सीटों पर हराने का काम करेगा। तो वहीं अखिलेश यादव ने किसानों का मुद्दा उठाया। इसके अलावा पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है क्योंकि वो लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती। उनके मुताबिक सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहे हैं बल्कि बीजेपी के वोट भी लीक हो रहे हैं। पेपर लीक की वजह से हर लोकसभा सीट पर बीजेपी के तकरीबन 2.25 लाख वोट कम हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि यूपी में अब बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने आंदोलन के दम पर कई परीक्षाओं का पेपर रद्द कराया है। इसके अलावा मायावती की पार्टी बीएसपी से गठबंधन के सवाल पर सपा चीफ ने कहा कि गठबंधन बहुत हो चुका है, अब सीधे मैदान में उतरने की बारी है। बहुत जल्द प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, जनता हमारे साथ है। कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम लड़ेंगे भी और लड़वाएंगे भी। कन्नौज ही नहीं, यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का काम किया जाएगा। अब हर तरफ बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया जा रहा है। कन्नौज नहीं, 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी का क्या जवाब आता है, अब ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।